बोले जय शंकर। तो फाइनली आज है भाई 15 तारीख और आज हमारे बाबा के पट बंद हो रहे हैं सुबह 8:30 बजे और हमारा बैग भाई देखो पैकअप हो चुका है। जितने भी दोस्त हमारे हैं जितने भी ब्लॉगर हैं सारों की भाई पैक। ओ भाई पैक हो गया भाई। ओ भाई देखो इसका भी पैक हो गया। मेरा तो भाई पैक पहले ही रखा है देख लो। और ये ऊपर खाली धूप आई है देखो भाई कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। और चलो भाई बाबा के पास चलते हैं। बाबा का जो बैग है पैकअप पहले ही कर लिया है और टोली जाने वाली है। और ये रहा बाबा का दरबार, एक बार इसके दर्शन कर लो बाबा के, नहीं तो 6 महीने के बाद ही दर्शन करने को मिलेंगे। बाबा तैयार हो गए, चलो निकलते हैं। जय बोले। इसके अलावा कुछ निकलता नहीं है, जय बोले के अलावा कुछ होता ही नहीं इसके पास। तो भाई बता दूँ रात में टेम्परेचर गया था -10 यानी कि पानी जमाने वाला। और देखो भाई साइकिल भी आई है, ऑल इंडिया ट्रेवल भारत यात्रा। भाई तैयार हो गए? रेडी है। ओ भाई रेडी हो गया, चलो अब वहाँ पे हमारे आर्मी वाले ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं वहाँ चलते हैं, आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं। और ये देखो भाई ये है हमारा तिरंगा, किसी ने सही नहीं किया हम कर सही कर देते हैं इसे। ठंडी है यार, चलो अभी सही कर रहे हैं। नहीं ओ भाई बांध दिया किसी ने, चलो मैं इसे रख लेता हूँ अपने पास काम आएगा। तो भाई ये है अपना तिरंगा, ये कुछ अलग लुक दे रहा है। और पूरी बर्फ पड़ी है आज और बाबा के पट बंद होने जा रहे हैं। देखो वहाँ चलते हैं आपको दिखा दें वहाँ का जो टोली का नज़ारा है वो बहुत प्यारा है भाई, चलो चलते हैं वहाँ। पीछे लोग कितने चल रहे हैं, आगे कितने चल रहे हैं, बहुत भाई अच्छा लग रहा है। आप लोग जरूर एक बार आए। तो भाई आप देख सकते हैं हमारे बाबा के पट बंद हो चुके हैं, ताला लग गया है और सील लगा दी गई है। और ये अब अप्रैल में फिर से खुलेगी। और बाबा केदारनाथ का देखो दरबार सजा हुआ है और टोली भी जाने वाली है, बहुत भाई आज भीड़ आई है। और ये हमारे नंदी महाराज को देखो बिल्कुल अच्छे से ढक दिया गया ताकि कोई दिक्कत ना हो। और ये देखो भाई बाबा केदारनाथ का पट बंद हो गया है, अब खुलेगा अगले साल। तो ये यहाँ का कुछ नज़ारा आप लोगों को ये पल दिखाने के लिए बहुत अच्छे से हम यहाँ पे आए हुए हैं, ये देखो भाई। तो भाई बाबा के द्वार से हम जा रहे हैं और हर प्रेम से बोलो हर हर महादेव, बाबा फिर से आएंगे, अपनी दया हम पे बना रखना अपनी छाया। तो भाई बाबा का जो ये ओम है ना ये बिल्कुल मंदिर के सामने लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पर लगाया गया है। और अभी हम लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं बाबा की डोली के साथ जो कि आगे चल रही है, तो चलो चलते हैं आगे। तो भाई आप देख सकते हैं बाबा की टोली आ रही, हम लोग आगे चल रहे हैं और बाबा की टोली पीछे चल रही है। और हम पहले आए थे टोली लेके तब भी हम ही आगे चल रहे थे, बाबा की टोली पीछे चल रही थी, इस बार भी हम ही आगे चल रहे हैं। और भाई बहुत आनंद आ रहा है लेकिन एक ही दुख लग रहा है खाली बाबा की दरबार को छोड़ के जा रहे हैं, काश एक महीना और खुला रहता बट और यहीं पर रुकते हम बाबा की सेवा करते। यहाँ पे बाबा को मुझे एक अच्छी बात लगती है, यहाँ पे ना बाबा को आर्मी वाले नीचे लेके जाते हैं फुल ढोल नगाड़े के साथ में। हर महादेव।
टोली चल रही है, साथ साथ हम भी चल रहे हैं और बाबा की टोली मेन रास्ते से जा रहे हैं, हम लोग शॉर्ट कट ले रहे हैं। और देखो यहाँ से आने वाली है टोली, और कितने यहाँ से ना थोड़ी बर्फ कम हो जाती है। ये देखो बाबा की टोली आ रही है, और ये देखो भाई ऊपर ऊपर से महादेव, हर हर महादेव। तो प्रेम से बोलो हर हर महादेव। तो भाई हम लोग जा रहे हैं शॉर्ट कट रास्ते से, और बाबा की टोली आ रही है मेन रास्ते से। ये देखो बड़ा ही खतरनाक रास्ता है, दिक्कत नहीं हो रही? हर हर महादेव। देखो भाई ये रास्ता बाबा की, कहाँ से आ रहे यार? यार सही बता, सही सही बात है, बाबा का नाम लो ना ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाती है। ये देखो भाई ये रास्ता जाने की, हम शॉर्टकट से जा रहे हैं। भोले बाबा की लीला निराली है यार। तो भाई हमने फिर से बाबा की टोली को कर लिया है। जय हिंद। आर्मी वालों को देख के मेरा दिल खुश हो जाता है। नहीं पहले सुरक्षा भी बाबा जी चल रहे हैं। ओ बाबा जी बात बात इसके बाद जय बोले की बात कुछ आई नहीं। ये देखो भाई हमारे महाराज जी जा रहे हैं टोली खाने। देखो भाई रास्ते में हम चलते हैं ना, तो रास्ते में फ्रूट वगैरह और खाना वगैरह मिलता रहता है। ये देखिए, ये देखो सेब ही हैं और सेब हैं और तरबूज है। देखो भाई जबरदस्त है यार। देखो ये सेब भी लाया, दो दो तरबूज भी लाया। इसमें कोई भाईचारा नहीं भाई। देखो भाई इस रास्ते से हमारी टोली आ रही है भोले बाबा की। चलते चलते थक गए हैं यार। ये देखो वहाँ से चली थी, अभी हम लोग 5 किलोमीटर आ चुके हैं और वहाँ थे, वहाँ तक टोली आ गई है, वो आ रही। देख लो यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे भंडारा हो रहा है कुछ। देखो भाई यहाँ पे थोड़ा भंडारा चल रहा है, वो भी लाइन से दिया जा रहा है खाने के लिए। यहीं पे बाबा की टोली रुकेगी। ये है यहाँ का पहला पड़ाव। देखो यहाँ बाबा की टोली रुकेगी और यहीं पे हो रहा है भंडारा। तो भाई देखो ये नाश्ता मिला आज, टोली रुकी है यहाँ पे। ये देखो ये रुकी है यहाँ पे, नाश्ता चल रहा है, सेब है और केला है और हलवा है और चना है। तो भूख लगी थी, चलो पहले खा लेते हैं फिर चलते हैं आगे के लिए, ये तो टोली चली जाएगी, हम ये खाते हैं। तो भाई देखो यहाँ पे हो रहा है भंडारा और हम लोग चल रहे हैं क्योंकि हमने खा लिया है। सभी दोस्त निकल गए, हम ही रह गए खाली। ये देखो भाई 8:30 बजे चले थे और 12:47 हो गया। देखो अभी यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर भी गौरीकुंड रह गया। ये देखो भाई यहाँ से दिख रहा है भोले बाबा का पर्वत, बहुत भयंकर। और बाबा कितना किलोमीटर है अभी? 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर है। अच्छा थकावट तो नहीं आ रही? जो पैर का जॉइंट है ना, टपरी के अगर है। हाँ वो
मारते थोड़ी दुख लग रहा बाकी ठीक है सब दुख इस बात का कुछ मिल ना रहा रास्ते। हाँ यार पहले आए थे तो केला और अंगूर मिला करते थे, अरे बीच में खाली वो मिला है, नाश्ता मिला था, क्या मिला था, हलवा हलवा चना। चलो अब गौरीकुंड मिल जाएगा जहाँ तक है, जो कि लोकल हैं और बाबा का इंतजार कर रही हैं, और जब हो जाएंगे आ जाएंगे तो देखना ये माला पहनेंगे, तो खाने के लिए कुछ यहाँ पे है नहीं लगता है। बाबा की टोली भी आ रही है, थोड़ी दूर रह गया यहाँ से गौरीकुंड। देखो जैसे जैसे डोली आगे बढ़ रही है वैसे लेडीज बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे बाबा की डोली आगे बढ़ रही है वैसे यहाँ की जो लोकल की जो लेडीज है ना वो आगे बढ़ती जा रही है। भंडारा कर लिया है उसके बाद अभी हम आगे निकल के चलते हैं फूल क्रैक के लिए, और वो यहाँ से मंगल चलता है ये लग जाए इस तरह के लिए आगे चलते हुए अगर भूख लगी है खा लेंगे। अब जाएंगे दोस्त थे कहाँ चले गई वो जा रहे यार, हमें टोली आ गई सोन प्रयाग में और गांव के जितने भी लोग हैं सभी लोग आए हैं बाबा को दर्शन करने के लिए और आगे जा रहे हैं आर्मी वाले। ये देखो प्रयाग से डोली चल चुकी है और ये अब जा गई फाटा के लिए और आज की रात फाटा में रुकेगी। फाटा के साउथ में अभी हमारी टोली आ चुकी है भोले बाबा की, तो देख रहे होंगे यहाँ पे अभी भोले बाबा के भजन गाए जा रहे हैं और गांव वाले सभी आए हैं पूजा कर रहे हैं। उसके बाद अभी यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर और यहाँ से भी जाना है। देख भाई तेरे लिए क्या लाया हूँ, दिल खुश हो जाएगा ले। अबे मैं नहीं खाऊंगा तू ले ले केला, मुझे केला केला कच्चा है तो खा लेना है ना। अबे देख खा नहीं रहा, मजा मजा सब मीठा मीठा ले लिया, ये मुझे दे दिया, पक्का हरामी है। टोली आ चुकी है रामपुर में और रामपुर में एक यहाँ पे घर पड़ा है, यहाँ पे रुकी गई है, यहाँ पे डांस हो रहा है मुझे लगता है। भाई 2 किलोमीटर चल के ना टोली फिर से रुक जाती है, यहाँ धीरे धीरे चलना पड़ता ना, आज लगभग 30 किलोमीटर का प्लस हो जाएगा तो हम चले और कल हमें जहाँ। तो फाइनली टोली आ चुकी है रामपुर और आज की रात रामपुर में टोली रुकी है और हमने नाश्ता खाना ना खा लिया है, हमें एक रहने के लिए रूम भी मिल गया है जो कि यहाँ के पंडित जी ने हमें रूम अच्छा सा एक कोठी में दे दिया है। और भाई देखो ये है रास्ता, ये सीधे चली जाती है जो कि उखीमठ और ये चली जाती है केदारनाथ, यहाँ से लगभग केदारनाथ अभी 30 किलोमीटर करीब है और यहीं पर भंडारा लगा था हमने, भंडारा बाकायदा खा के बाकायदा हम रूम में आ गए हैं और बस सोने के लिए जा रहे हैं। ये है हमारा रूम देख रहे होंगे, बहुत अच्छा है एकदम फर्स्ट क्लास, बिजली है सब कुछ है। और भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट और शेयर जरूर करें,
मिलते हैं कल एक नवी वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।